जो हमारा प्लांट है ये एक ऑटोमेटिक प्लांट है, ये इस इंडस्ट्रियल एरिया में है, दूसरा प्लांट है खाली। इसमें हम पल्प मोल्डेड एप्पल ट्रेज बनाते हैं जो पूरी वाटर रेजिस्टेंट होती है। जो जिस तरीके से हम पहले एप्पल जो हमारे सेब थे वो ठीक नहीं रहते थे, इसकी वजह से वो एक ह्यूज क्वांटिटी ह्यूज अमाउंट में स्टॉक में बहुत अच्छा रहता है। ये 48 आवर्स की एक ट्रे होती है, मतलब रेजिस्टेंट वाटर रेजिस्टेंट होती है, इसकी वजह से सेब का कोई असर नहीं पड़ता है, ख़राब होने के कोई इम्कानात नहीं होते इसकी वजह से। हमारा ये जो मतलब प्लांट है, यूनिट है, एप्पल ट्रे मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। इसमें एप्पल ट्रे फाइबर ट्रे बनती हैं जो कि एक ऑटोमेटिक प्लांट से मैन्युफैक्चर होती है, और इसकी जो मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट है, फुली ऑटोमेटिक प्लांट पिच मैन्युफैक्चर हो रही है, एक लार्ज क्वांटिटी में मतलब ये मैन्युफैक्चर होती है। जो ये हमारा यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, यहाँ पर तकरीबन इस वक्त जो फ्रूट से भरे हुए स्टोर कोल्ड स्टोरेज है तकरीबन वो 36 है, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ पेटियां जो डब्बे हैं उसमें भरे हुए हैं इन तमाम कोल्ड स्टोरेज में। शुपियान अगलर है एक इंडस्ट्रियल एस्टेट, वहाँ पे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज है। यानी कि यहाँ पर जो ये फाइबर की ट्रेस बनी हुई है उसमें क्या क्वालिटी के हिसाब से वो सेब उसमें भर जाते हैं, उसमें क्या है आसानी हो गई है, उसमें वो बराई वाले नहीं देखने पड़ते हैं। यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज वाले हैं उनके पास एक ग्रेडिंग लाइन होती है, उसके बाद हर ग्रेड का सेब निकलता है, और जो फाइबर ट्रेज है उसमें अपना अपना एक नंबर होता है, उस नंबर के हिसाब से वो सेब आसानी से उसमें रखते हैं वो, और उसके बाद डब्बे में भरते हैं, और उसके बाद क्वालिटी वाले सेब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं।